पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलू। बस्तर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कई नक्सलियों को जगरगुंडा और चिंतलनार के इलाके में देखा गया, जिस पर डीआरजी सीआरपीएफ कोबरा के जवानों को सर्च अभियान पर निकाला गया था। जवान जैसे ही नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे, नक्सलियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। करीब एक घंटे चली मुठभेड़ के बाद जवानों ने चार वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। जवानों को भारी पड़ता देख बाकी नक्सली अपने साथियों के शव छोड़कर जंगल और पहाड़ी की आड़ लेकर भाग निकले। मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके के जवानों के द्वारा सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान चार नक्सली शव और उनके पास से चार हथियार अन्य सामग्री भी बरामद की गई। कोबरा बल भी साथ में थे। इस प्रकार सुकमा में एक काफ़ी अच्छा सफलता प्राप्त हुआ है। बरसात के समय में लगातार सुरक्षा बल द्वारा सीमावर्ती या मंदरौनी इलाका में ऑपरेशन संचालित की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप विगत 10 दिन में हमको 8 अहम कामयाबी मिला है। विशेष तौर पर सुकमा में आज जो सफलता प्राप्त हुआ, इसके साथ साथ बीजापुर जिला में भी बोरला पुलिस इस इलाका में एक मुठभेड़ में महिला माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी मात्रा में विस्फोट पदार्थ एवं अन्य सामग्री भी बरामद की गई थी। दो दिन पूर्व में जिला कोंडागांव एवं कांकेर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी एक मुठभेड़ हुई थी। उसके पश्चात एक माओवादी की डेड बॉडी और एक 303 राइफल, एक 315 राइफल और काफ़ी बड़ी संख्या में उनके कैंपिंग मटेरियल मिला है। इस प्रकार के बरसात के सीजन में लगातार पुलिस को अच्छा सफलता मिला। पूर्व वर्ष में भी मानसून के दौरान भी हम लोग के काफ़ी अहम सफलता प्राप्त हुआ। इसका देखते हुए इस वर्ष में भी हम लोग का काफ़ी एक कार्ययोजना थे, इस हिसाब से अभी लगातार हमको सफलता प्राप्त हुआ। आने वाले समय में हम लोग इसी कार्ययोजना को स्थानीय परिस्थिति के मुताबिक डेवलप करके आगे कार्रवाई करेंगे। विजय पचौरी हमारे संवाददाता जुड़ गए। विजय, सर्च अभियान के तहत कई ऐसी चीजें मिली हैं सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान, क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं और फिलहाल किस तरीके से अब एक सफलता मिलती नजर आ रही है? मैं आपको बता दूं कि बस्तर में चलाया जा रहा है नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है और लगातार सूचना मिल रही है कि नक्सली जो है इन इलाकों में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। आज भी सुकमा जिले के जगरगुंडा और चिंता गुफा के जंगलों में नक्सलियों को देखा गया था। सूचना के आधार पर डीआरजी सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों को सर्च अभियान में भेजा गया था। जवान जैसे ही उस इलाके में पहुंचे, नक्सलियों ने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई कर रहे जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों का गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे चली मुठभेड़ के बाद जवानों ने चार वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली अपने साथियों के साथ छोड़कर जंगल और पहाड़ी की आड़ लेकर भाग निकले। मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके की सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान चार वर्दीधारी नक्सली शव और उनके पास से हथियार और दैनिक उपयोगी सामान भी जवानों ने बरामद किया है। हालांकि पार्टी अभी सुकमा लौटने वाली है। लौटने के बाद पुलिस के जो आला अधिकारी है वो जानकारी लगा दिए मारे गए नक्सली किस कैडर के हैं और सरकार ने इसके ऊपर कितना इनाम लगा रखा था, क्योंकि बरसात का समय है और बरसात के समय पुलिस को बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिली है नक्सलियों के खिलाफ। नक्सली बरसात के समय में कैंप लगा के रहते हैं और जवान अब उस इलाके तक पहुंच रहे हैं जहां नक्सली सुरक्षित ठिकाना मानते थे और जवान जो है बिल्कुल विजय बड़ी बात यह है कि जवान अब वहां तक पहुंच रहे हैं जहां पर नक्सली जो है वो अपनी सुरक्षित जगह मानते थे और इसीलिए शायद पुलिस को भी कामयाबी मिलती नजर आ रही सुरक्षा बलों को। बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस तमाम जानकारी के लिए।